गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। उत्तर प्रदेश के रणजी क्रिकेटर रहे और वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित अखिल कुमार को गोरखपुर जोन के एडीजी पद पर केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद लौटते ही दी गई तैनाती। नवागत एडीजी ने कार्यभार किया ग्रहण, कहा मीडिया और पुलिस के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित कर अपराध और अपराधियों पर लगाया जा सकता है अंकुश। अभ्युदय योजना के तहत संचालित होने वाले आईएसपीसीएस के प्रशिक्षण सेंटर का मंडलायुक्त डीएम सीरियो ने किया निरीक्षण, कहा 15 फरवरी को मुख्यमंत्री करेंगे प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन, 16 फरवरी से संचालित होंगी कक्षाएं। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री शनिवार को मीडिया से हुए रूबरू, केंद्रीय बजट की सराहना, कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को फलीभूत करता है केंद्रीय बजट। 20वीं सदी यूरोप की मगर 21वीं सदी होगी भारत की, डीडीयू शोधपीठ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन बोले मुख्य अतिथि राम माधव, कहा देश के हर नागरिक को बनना होगा स्टेक होल्डर, जल्द ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को कर लेंगे हासिल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराजगंज जनपद के नवागत मुख्य विकास अधिकारी व निवर्तमान एसडीएम सदर आईएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा लगभग 1 साल के कार्यकाल में गोरखपुर जनपद वासियों और जिले के अधिकारियों का मिला भरपूर सहयोग, गिनाई अपनी उपलब्धियां, जनता के प्रति जताया आभार। एडीजी गोरखपुर जोन के पद पर तैनात रहे दावा शेरपा को एडीजी सीबीसीआईडी के पद पर स्थानांतरण के पश्चात एडीजी कार्यालय पर तैनात समस्त कर्मचारियों ने उन्हें दी भावभीनी विदाई, बुके और स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए एडीएम फाइनेंस, एसडीएम सदर सहित अन्य अधिकारियों ने किया राजघाट स्थित नव निर्मित पक्के घाट का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बेसिक शिक्षा विभाग में गैर जनपद से आए 165 शिक्षकों का शनिवार को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत विद्यालय का किया गया आवंटन, जिसमें 78 पुरुष और 87 महिला शिक्षक रहे शामिल। बीएसए ने कहा पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ, अब तक 437 शिक्षकों का ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत विद्यालय आवंटित। महानगर में कोतवाली सर्किल के तीनों थाने पर शनिवार को आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस, कुल 6 मामले आए सामने, निस्तारण के लिए राजस्व कर्मियों को सौंपा गया मामला। गोरखपुर में शनिवार को मिला मात्र 1 नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,442, अब तक 363 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 57 रह गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। कांग्रेस के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष स्वर्गीय उमेश चंद खन्ना की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा पार्टी को आगे बढ़ाने में उमेश चंद खन्ना ने दिया है अपना अहम योगदान। और नौकायन स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित 2 दिवसीय फूड फेस्टिवल का एडीएम फाइनेंस ने किया उद्घाटन, कहा फूड फेस्टिवल से पर्यटन की गति को मिलेगा बढ़ावा।